लखनऊ में परिवार कल्याण विभाग के खाद और औषधि प्रशासन विभाग के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि गोदाम का सारा सामान जलकर खाक हो गया। वही मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। खाद और औषधि विभाग के गोदाम में लगी आग से लोगों में हड़कंप पर पहुंची फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने फौरन ही आग पर काबू पाने की कोशिश जारी कर दी, लेकिन लगी आग ने चंद सेकंडों में विकराल रूप धारण कर लिया। काफी मशक्कत के बाद इस आग पर आखिरकार काबू पाया गया। आपको बता दें कि अभी इस विभाग का उद्घाटन नहीं हुआ था और ना ही यह कोई सामग्री थी। यह कुछ लेबर पेंटिंग और वेल्डिंग का काम कर रहे थे और अचानक से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई थी। फिलहाल इस आग को काबू कर लिया गया है और आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली है। शॉर्ट सर्किट हुई तो भट भट होने लगा, तब तक हम लोग वहां से भागे निकले। अगर ना निकलते हमें लग रहा 2 सेकंड में ही सब हो गया। तो यहां क्या काम चल रहा था? हम लोग पेंटिंग कर रहे थे। पेंटिंग का काम चल रहा था, पेंटिंग का काम जो पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। हां, शॉर्ट सर्किट। अतीक अहमद, लखनऊ, इंडिया एक्सप्रेस।